अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉजिकल थिंकर्स। माय नेम इज़ हारिस अहसान। सर, लास्ट वीडियो में जो है हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जो है इफ़ की कंडीशन जो है ट्रू ना हुई तो वो क्या हो, एल्स के चेक के अंदर आ जाए, और वहाँ पर जो मेरी कंडीशन चेक करें वो ट्रू हो तो क्या रिटर्न कर दें, मेरा रिजल्ट शो करा दें, प्रिंट करा दें। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे कैसे। मेरे बॉडी के टैग के अंदर मैंने ये स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है। मैंने लिखा यहाँ पे वेरिएबल फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, जो टैग्स लिखा हुआ है, यूज़र जो है मैं लिखा एंटर फर्स्ट नंबर कॉमा ज़ीरो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या रखा मैंने, एंटर सेकेंड नंबर। एंटर सेकेंड नंबर कॉमा ज़ीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, यूज़र जो है पहला नंबर इनपुट देगा, फिर दूसरा नंबर इनपुट देगा, और मुझे कहता है ये उन दोनों को डिवाइड करवाना है। ठीक है, अब मैं लगाया इफ का चेक लगाया, और इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन लिखी, इफ सेकेंड नंबर इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर सेकेंड नंबर क्या हो, ज़ीरो हो तो क्या मैसेज शो हो जाए, अलर्ट नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाय ज़ीरो। वरना अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, यूज़र ने जो है कोई नंबर दिया हो जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो क्या हो, एल्स के चेक के अंदर आ जाए। और यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है रिजल्ट इक्वल्स टू, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, और फिर अलर्ट मैंने टेक्स्ट क्या लिख दिया इसके अंदर, रिजल्ट एस और प्लस रिजल्ट, क्या शो हो जाए मुझे, रिजल्ट शो हो जाए, दो नंबर जो है वो डिवाइड करके दिखा दे। मैंने इसको सेव किया और इसका रिजल्ट चेक करने के लिए प्रीव्यू इनको रूम सिंपल लिखा हुआ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 10, एंटर सेकेंड नंबर मैंने सेकेंड नंबर लिख दिया 5। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया, दोनों को प्रिंट करा के रिजल्ट क्या दे दिया, 2 रिटर्न कर दिया। अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर 10 लिखा और सेकेंड नंबर क्या लिखा, 0, तो क्या शो कर रहा है, नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, जो मेरा मैसेज था ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होती है जावास्क्रिप्ट में।